गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर लेट। मैं कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं सोया रहा। मैं अभी उठा ही तब हूँ जब मुझे कॉल आई। हमने लास्ट वीक में इन्वेंट्री से रिलेटेड पढ़ा था कि इन्वेंट्री जब हम होल्ड करते हैं तो हमें चार तरह की कॉस्ट बियर करना पड़ती है। परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट हम कहते हैं कि कितने की हम कोई चीज खरीदते हैं वो परचेजिंग कॉस्ट है। तो अगर हमें किसी आइटम की टोटल परचेजिंग कॉस्ट फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए देखते हैं कि कॉस्ट पर केजी कितनी है, एनुअल डिमांड कितनी है। उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनुअल परचेजिंग कॉस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। देन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो हमें दी होती है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ऑर्डर सम टाइम दिए होते हैं और सम टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो फार्मूला याद रखना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन के लिए वो ये है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो यहां से एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी और उसके बाद एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हम देखेंगे। जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है वो कैसे फाइंड होती है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट को अगर मैं एक साल तक होल्ड करूं तो कितनी कॉस्ट लगती है, इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से फाइंड होती है ये उसका फॉर्मूला भी आपको नजर आ रहा होगा, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू प्लस बफर स्टॉक। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू प्लस बफर स्टॉक, ये बफर स्टॉक क्या होता है हम आज अभी डिस्कस करेंगे इसको। और फिर चौथी चीज जो है वो स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर कभी मटेरियल खत्म हो जाए तो उसके खत्म होने की वजह से जो हमें नुकसान होता है उसे स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए। आपने कहा वो तो खत्म हुई हुई है। अब अगर वो चीज आपके पास होती, आप उसे सेल करते तो होना ये था कि आपने कुछ अर्न कर लेना था, लेकिन अब वो चीज आपके पास नहीं है
तो वो आप सेल नहीं कर सके, तो इस चीज को कहेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। जो आपने सेक्रीफाइस किया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट, दिस इज नोन एज स्टॉक आउट कॉस्ट। अब मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि एट द लेवल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे अगले किसी सब्जेक्ट में जाके स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अभी आपने ये तीन तरह की कैलकुलेशन ही करनी है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। कल हमने ये जो लास्ट लेक्चर किया था, हमने ये एक डाटा ज्यूम किया हुआ है, आज हम इसी डाटा से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रहा हूँ, मैं इसी डाटा को यूज करूंगा। मैं डाटा एक दफा रिकॉल करा दूं, परचेजिंग कॉस्ट इज रुपीज 10 पर केजी, एनुअल डिमांड और यूजेज इज 100,000 केजीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 200 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट रुपीज 5 पर केजी, और करंटली वो ऑर्डर करता था 2,000 केजीज। अब उस दिन जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले ये बात देखी थी कि हमने कितना खरीदना है, तो हमने उसका आंसर किया था इक्वल टू ऑर्डर साइज, यानी हमने कितना खरीदना है, हाउ मच टू परचेज, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि हमने कितना बाय करना है, और उस दिन मैंने इसका आंसर बताया था वी बाय इक्वल टू ऑर्डर साइज। ये ऑर्डर साइज हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करती है। जैसे अभी आप डाटा देखें तो उसने लिखा हुआ है कि वो जब भी मंगवाता है 20,000 केजी मंगवाता है। एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजर वो होता है जिसका ऑर्डर साइज ऑप्टिमम हो। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, यानी ये वो ऑर्डर साइज है जो बेस्ट है। ऑप्टिमम का वर्ड हो सकता है काफी स्टूडेंट्स ने आज सुना हो, लेकिन याद रखिएगा कि सीएमए में ये ऑप्टिमम वर्ड का यूजेज बहुत ज्यादा है। ऑप्टिमम का मतलब होता है द बेस्ट पॉसिबल विद लोएस्ट कॉस्ट, यानी जब भी हम किसी भी चीज के ऑप्टिमम के हवाले से बात करेंगे तो ऑप्टिमम का मतलब होता है, जैसे अगर ऑर्डर साइज है तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज का मतलब है द ऑर्डर साइज विच हैज लोएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी ये वो ऑर्डर साइज है जिसपे इन्वेंट्री की कॉस्ट सबसे कम है, लोएस्ट, सबसे कम है, इससे कम कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने कॉस्ट को कम करना है, एट अ मिनिमम लेवल हमने उसे लेके आना है। तो वो जो ऑर्डर साइज है वो हमारी कॉस्ट पे फर्क कर रहा होता है। अभी मैं आपके सामने करता भी हूं कि कैसे कॉस्ट पे फर्क कर रहा है। अब मैं उसी डाटा को यूज करूंगा और आज मैं आपको ऑप्टिमम ऑर्डर साइज की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताने लगा हूं। ये जो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है इसका एक और नाम होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं, यानी एक और नाम लिख सकते थे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं। तो ये ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बुक्स में इसका नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ईओक्यू, इसलिए नॉर्मली लोग इसको ईओक्यू के नाम से ही जानते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक ऑर्डर साइज लिखा हो
तो इसका भी मतलब वही बनेगा जो ऑर्डर क्वांटिटी का है। ये जो ईओ क्यू है ये कैलकुलेट कैसे होता है? ईओ क्यू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर एनम अंडर स्क्वायर रूट। यानी अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो जो ऑर्डर साइज हमें मिलेगा वो ऑर्डर साइज बेस्ट होगा। यानी वो बेस्ट किस सेंस में होगा कि उसकी कॉस्ट लोएस्ट होगी। अगर मैं डाटा से वैल्यूज पुट करूं तो इस डाटा में कॉस्ट पर ऑर्डर आई थिंक 200 दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही है। एनुअल डिमांड 100,000 दी हुई है। और होल्डिंग कॉस्ट वन यूनिट पर एनम जो है वो 5 रुपीज पर केजी पर एनम लिखा हुआ है। तो ये 5 हो गया। इसका स्क्वेयर रूट ले लें और मुझे इसका आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करें, इसका आंसर मुझे बता दें। ओके 2828.42 ये पॉइंट बेशक ना लिखते लेकिन चले हम लिखते हैं 2 डेसिमल तक इसको 2828.42। अब इसका मतलब ये है कि हम जब भी ऑर्डर करेंगे ना वो इतना होगा। हम हमेशा इतने किलो का ऑर्डर किया करेंगे 2828। तो ये जो 2828 केजीज हैं अगर हम इतना ऑर्डर करें तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑप्टिमम होना चाहिए। यानी ऑप्टिमम उसको कहते हैं जिसपे आपकी कॉस्ट कम से कम हो। इसका मतलब है कि मैं अब आपको वही दो चीजें कैलकुलेट करके दिखाता हूं। हमने एक चीज इन्वेंटरी से रिलेटेड कैलकुलेट की थी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200 एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड इज 100,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 2828.42 लिखना चाहे तो लिख लें वरना कोई मसला नहीं है। राउंडिंग की वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाएगा आंसर में। तो जी बताइए इस चीज का क्या आंसर आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले निकालेंगे एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 2828 और फिर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर बताइए। ओके 7072 ये आंसर आप लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद ये पहली चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम दूसरी चीज की तरफ जाते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट
तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर एनम, उसको हम सी एच से शो करते हैं, जिस तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट को सी ओ, ओ फॉर ऑर्डर, एच फॉर होल्डिंग, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री। ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ये कैसे फाइंड होती है, ये हमें पता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, नहीं सॉरी, ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, प्लस बफर स्टॉक, फाइव इंटू 2828 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी क्वेश्चन में अभी बफर स्टॉक नहीं है, जीरो है, इसका आंसर कैलकुलेट करें, ये भी वही होगा, आप इसका आंसर कैलकुलेट करें, राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा। मुझे जरा इसका आंसर भी बता दें, 7070 आ रहा है जी, ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं 7070 लिख लेता हूं क्योंकि राउंडिंग हुई थी, अगर राउंडिंग ना होती तो ये आंसर एग्जैक्ट बराबर होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है, एट ईओक्यू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये बहुत दफा पेपर में पूछा जाता है कि EOQ पे आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या बराबर होती है? यस, दिस इज करेक्ट। एट EOQ, अब इसका मतलब क्या बनता है कि जब हम ऑर्डर साइज EOQ के बराबर रखें तो वो ऑर्डर साइज पे जो आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होगी वो दोनों बराबर हुआ करेंगी हमेशा EOQ पे। अच्छा, अगर हम इन दोनों का सम करें, इन्वेंट्री होल्डिंग और ऑर्डरिंग, 7072 प्लस 7070, इन दोनों का सम कितना बनेगा? 14,142। देखें जरा इतना आता है, ये इन दोनों का सम आया। इन दोनों का सम जो है ये लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, यानी इस कॉस्ट को क्या कह सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये बनता है कि भाई ये वो कॉस्ट है जिससे कम कॉस्ट का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, यानी ये वो कॉस्ट है इससे कम कॉस्ट आपकी आ ही नहीं सकती, इसीलिए इसका नाम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, इन दो चीजों का सम। अच्छा, अगर अभी चले इसको ऐसा ही रहने दें, सवाल को हम अभी छेड़ते नहीं है, सवाल में हम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर रहे अभी जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कैसे करनी है ये पता चल गया, ये इसका फॉर्मूला है, डाटा से वैल्यूज पुट की, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने उस दिन भी कैलकुलेट की थी, आज रिवाइज किया, फिर इसको दोबारा कैलकुलेट किया, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमने उस दिन भी कैलकुलेट की थी, अब दोबारा कैलकुलेट की है। अब मैंने आखिर पे कहा दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी इससे कम कॉस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इससे कम कॉस्ट का अगर सवाल पैदा नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये सबसे कम कॉस्ट है, अब ऑर्डर साइज जो मर्जी कर लें कॉस्ट ज्यादा ही आएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपने जब ऑर्डर साइज 20,000 रखा था तो आपने देखा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 थी, होल्डिंग कॉस्ट इतनी थी, और इन दोनों का सम कितना था, 51,000। लेकिन अगर आप ऑर्डर साइज 2828 कर दें तो देखें एनुअल कॉस्ट 51 की बजाय कितना कम कॉस्ट लग रही है, 14,142। तो कहां 51,000 इन दोनों का सम, कहां 14,000।
तो इसका मतलब है कि ये वाकई नजर आ रहा है कि अगर ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बचेगी। अब एक सवाल अराइज होता है कि यार 51,000 था जब हमारी ये कॉस्ट आई 51,000, तो तब हमारा ऑर्डर साइज था 20,000 kg, यानी हम जब भी मंगवाते थे 20,000 kg मंगवाते थे, तो ज्यादा मंगवाते थे तो कॉस्ट ज्यादा आई। अब मैं 2828 kg मंगवा रहा हूं तो कॉस्ट इतनी आई, तो ये तो कॉमन सेंस है कि थोड़ा ऑर्डर करोगे तो थोड़ी कॉस्ट होगी। तो चले मैं आपको जरा तस्वीर का एक और रुख दिखाता हूं, मैं ऑर्डर साइज 2828 से भी छोटा कर देता हूं, यानी अगर मैं ऑर्डर साइज 2828 से भी छोटा कर दूं, लेट से मैंने कहा कि मैं जब भी मंगवाऊंगा ना मैं 1000 kg मंगवाऊंगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन आ गई कि शायद थोड़े मंगवाए थे इसलिए कॉस्ट थोड़ी आई। तो लेट से कि मैंने 2828 से एक छोटी फिगर 1000 ले ली अपनी मर्जी से, 2000 भी ले सकता था, 1000 मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया कि मैं एक छोटा साइज लेता हूँ 2828 से भी। तो मैंने कहा जब भी अगर हम मंगवाएं 1000 kg मंगवाएं तो फिर क्या होगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपको काफी लोगों को फॉर्मूला याद हो चुका होगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200 इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। नाउ द ऑर्डर साइज इज 1000, तो ये 100 हो गया, तो ये जी आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 20,000 हुई। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला था सी एच होल्डिंग कॉस्ट 1 unit पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री। सी एच इन दिस क्वेश्चन इज 5, एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। Now the order size is 1000 divided by 2. तो ये कितना आ जाएगा जी, 2500। अब इन दोनों का सम 20,000 प्लस 2500 22,500। तो देखिये मैंने आपकी वो कंफ्यूजन खत्म कर दी कि 2828 थोड़ा मंगवाया था, तो मैंने उससे भी थोड़ा ऑर्डर किया, तो जब मैंने उससे भी थोड़ा ऑर्डर किया तो आंसर 22,500 आया, जबकि 2828 पे कितना आंसर था 14,142। तो इट मींस ये वाकई बेस्ट है, आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना के देख लें अदर देन 2828 आपकी कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी। 2500 पे भी आंसर इस फिगर से बड़ा आएगा, 2000 पे भी आंसर इस फिगर से बड़ा आएगा, 3000 से भी आंसर इस फिगर पे बड़ा आएगा। तो इट मींस ये साबित हो गया कि वाकई ये जो ईओक्यू है इस पे कॉस्ट हमेशा सबसे कम होगी। तो ये जो वर्डिंग मैंने लिखी थी एट ईओक्यू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, इससे कम कॉस्ट आपकी लग ही नहीं सकती, इसीलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डर साइज कहते हैं। इकोनॉमिक कहते हैं जो चीज बेस्ट हो, सूटेबल हो, सस्ती हो। तो ये जी आज मैंने आपको क्या सिखाया, हाउ टू कैलकुलेट ईओक्यू, हाउ टू कैलकुलेट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। उम्मीद है आपको ये सारा यहां तक समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बातें और डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने पड़ा है। बुक मैंने यहां कहीं रखी थी,
अच्छा बुक में अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे जेन में नहीं रहा मैंने कहाँ पे उसे रख दिया है, मैं अभी आपको बुक बुक दिखाता हूँ। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट, ये हमने बातें यहाँ तक सीखी। जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, उसी में आपने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आपके सामने नजर आ रहा है, इसको पढ़ लेना है। अच्छा इसमें ये ग्राफिकल एक ग्राफ भी दिखाया गया है, ये जो कॉस्ट है ये वाली जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये ग्राफ होता है जी होल्डिंग कॉस्ट का, टोटल होल्डिंग कॉस्ट का। तो ये ग्राफ याद रखना है, ईओक्यू में एक ही ग्राफ है जिसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसमें देखें एक ये वाली कर्व है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अच्छा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर साइज जो है वो बढ़ाते जाते हैं तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है, और इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है। और ये जो यू शेप कर्व नजर आ रही है ये आपको टोटल कॉस्ट बता रहा है, और कहता है जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे कम है ना वही ईओक्यू है। और इसकी एक और निशानी भी है कि ये दोनों एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग बराबर होते हैं, यानी इन्होंने इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो वो जो एमसीक्यू में मैंने कहा था कि एक सवाल आता है कि एट ईओक्यू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, और इसी पे एनुअल ऑर्डरिंग जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम होगी, इसीलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये ग्राफ आपने याद रखना है, इसके एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे इसकी कॉस्ट है। ये उसका फॉर्मूला है 2COD डिवाइडेड बाय CH। अब आपने इसके वेरिएबल याद रखने हैं, डिमांड पर एनम है यानी एनुअल डिमांड है। अब एमसीक्यू में ट्रिक ये यूज किया जाता है कि डिमांड मंथली दे दे, तो अगर मंथली दे दे तो आप सबको पता है कि मंथली डाटा को एनुअल कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर वीकली दे दे तो साल में कितने होते हैं 52 वीक्स, तो 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ सम टाइम क्वेश्चन ये कहता है कि वर्किंग वीक्स 48 है, तो अगर सवाल खुद बता दे कि साल में वर्किंग वीक कितने हैं फिर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक जो ट्रिक यूज करता है एग्जामिनर वो ये है कि जो डिमांड है वो एनुअल की बजाय आपको मंथली क्वार्टरली या वीकली दे देता है, तो आपने उसे एनुअल में कन्वर्ट करना है।
जो सीईओ होता है वो आपको नॉर्मली वैसे ही दे दिया जाता है कॉस्ट पर ऑर्डर, और सीएच जो है वो होल्डिंग कॉस्ट होती है, वो भी 1 यूनिट पर एनम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगेन पर मंथ दिया जा सकता है, तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बना लें। अगर पर क्वार्टर दे दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बना लें, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ईयूक्यू मॉडल की कुछ अजम्पशन हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। मैं जरा अजान सुन रहा हूँ जी। ओके जी, ईओक्यू की जो अजम्पशंस हैं उनमें पहली बात लिखी हुई है, डिमांड एंड लीड टाइम आर कांस्टेंट एंड नोन। डिमांड का मतलब है कि एनुअल डिमांड जो आपको चाहिए या वीकली डिमांड है तो वो भी पता है, वो फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट है, और लीड टाइम भी फिक्स्ड है। लीड टाइम मैंने बताया था, टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स, जिस दिन परचेज साइकिल पड़ा उस दिन हमने कहा था ये लीड टाइम क्या होता है, कि ऑर्डर किस दिन दे रहे हैं और चीजें कब रिसीव हो रही हैं। तो ये कहता है हमें दोनों चीजें पता है। परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, जैसे कि आज मैंने सवाल कराया तो परचेज प्राइस को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने अज्यूम किया हुआ था कि परचेज प्राइस फिक्स्ड है, तो परचेज प्राइस फिक्स रहेगी। नो बफर इन्वेंट्री, कहता है बफर इन्वेंट्री कोई नहीं होगी, इसलिए मैं जीरो लिख रहा था, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया कि बफर इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास। अब बफर इन्वेंट्री क्या होती है मैं बताता हूँ, बस ये मुझे थोड़ा कंप्लीट कर लेने में। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, ये आपने खुद करना है क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन करा चुका हूँ। आप देखें इसमें इसने यही ट्रिक यूज किया है कि यहाँ पे पर मंथ दे दिया है कि ये जो डिमांड है ये मुझे पर मंथ है, तो हमें एनुअल बनानी आती है मल्टीप्लाइड बाय 12 करके, तो इसको आपने खुद से करना है। कैलकुलेशन हुई हुई है,
अभी हम ये बात पढ़ के आए हैं कि हमें जब भी खरीदना है हमने इतना ही खरीदना है, हमने इस क्वांटिटी को अब छोड़ना नहीं है। जो आंसर आ गया हमने अब उसी को फॉलो करना है। जब भी ऑर्डर मंगवाना है 2828 केजी का मंगवाना है, इससे ना ज्यादा मंगवाना है ना कम मंगवाना है, क्योंकि कम करने से भी कॉस्ट बढ़ती है, ज्यादा करने से भी कॉस्ट बढ़ती है, तो हमने अपनी कंपनी के पैसे बचाने। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो सप्लायर होता है ना वो डिस्काउंट दे देता है, वो हमें लालच देता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो तो सप्लायर ने कहा, अभी कहेगा, मैं अभी उसकी तरफ नहीं आया, तो 2828 पे कॉस्ट हमारी सबसे कम थी। अब होगा क्या कि सप्लायर हमें लालच देगा, इफ यू विल बाय 10,000 और मोर आई विल ऑफर यू अ 1% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो बना दिया जाए कि तुम अगर कम से कम 10,000 केजी खरीदो तो तुम्हें 1% डिस्काउंट दिया करूंगा, तो इस चीज को कहते हैं जी बल्क परचेज डिस्काउंट। आपने FFA में ये टर्म पढ़ी होगी, बल्क परचेज डिस्काउंट, यानी जब हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है। तो इसको हमें अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है EOQ विद डिस्काउंट। तो सारा कुछ EOQ वाला ही है, बस एक पॉइंट उसने नया ऐड कर दिया कि अगर तुम मेरे से 10,000 केजी खरीदोगे या उससे ज्यादा खरीदोगे तो मैं तुम्हें 1% डिस्काउंट दूंगा। अब जरा आप इसकी कैलकुलेशन भी समझ लें। मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं और मैंने उसी में ये सिनेरियो बनाया, ऑर्डर साइज इक्वल टू 10,000 केजीज और मोर, यानी आप 10,000 या 10,000 से ज्यादा खरीदें अगर तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट इक्वल टू 1%, ये 1% किसका होगा? कीमतें खरीद का, परचेज प्राइस। तो ये जो 1% डिस्काउंट मिलेगा ये हमें परचेज प्राइस पे मिलेगा। हमें अब इस लेवल पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड करनी है। एनुअल होल्डिंग भी और एनुअल परचेजिंग भी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला CO इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200 इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। नाउ द ऑर्डर साइज इज 10,000, तो ये आ गया जी ₹2,000। ये आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। उसके बाद एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, CH इनटू एवरेज इन्वेंट्री। CH is 5, average inventory is order size divided by 2 plus buffer stock, buffer stock 0 है। तो ये बना जी 25,000। यानी 10,000 पे annual ordering cost 2,000 होगी, annual holding cost 25,000 होगी और परचेजिंग कॉस्ट भी मुझे देखनी है। अब एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी इनटू एनुअल डिमांड, ये हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, आज मैंने स्टार्टिंग पे रिवाइज भी करवा दिया। कॉस्ट पर केजी इन दिस क्वेश्चन इज 10, परचेजिंग कॉस्ट इज 10 पर केजी, तो ये 10 है। अब बात गौर से सुनिएगा,
ये 10 रुपीज असल रेट था, लेकिन जब आप 10,000 किलो से ज्यादा खरीदेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिलना है। इसका मतलब है आपने पे कितना करना है, 99%। अगर 1% डिस्काउंट हो तो आप कितना पे कर रहे होंगे, 99% इनटू एनुअल डिमांड। अगर किसी को 99% की समझ नहीं आई तो मैं एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूं। जब आप कुछ शॉपिंग पे जाते हैं तो वो कहता है 20% ऑफ है, तो आपने कितना पे करना होता है, 80%। तो ये वही रूल है कि अगर 1% ऑफ है तो 99% आपने पे करना है। जिस तरह 20% ऑफ हो तो आपने 80% पे करना है जी। तो ये आप इसका आंसर निकालें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें इसका क्या आंसर आता है इस पूरी इक्वेशन का, 10 × 99% × 100,000। जी ठीक है जी, 990,000। बस करें, आंसर आ गया है जी, 990,000। अब अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो एक का आंसर 2000 था ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का था 25,000 और ये 990,000। इनका सम कर दें जी कितना आता है, मेरा ख्याल है ये बनेगा जी। ठीक है, अच्छा ईओक्यू पे कितना था, ये तो था टोटल कॉस्ट एट 10,000 kgs, यानी जब हम 10,000 kg मंगवाते हैं तो इतनी इतनी कॉस्ट आती है। और अगर हम देखें टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, तो ईओक्यू पे आपको याद होगा 7072, 7070, ये दो चीजें थी। और ईओक्यू पे हमारी परचेजिंग कॉस्ट कितनी थी, तो वो परचेजिंग कॉस्ट हमने फाइंड नहीं की थी। अब मैं यहां पे कर देता हूं कि एनुअल परचेजिंग कॉस्ट ईओक्यू पे कितनी थी। परचेजिंग कॉस्ट है वो 10 थी और हमने 100,000 मंगवाना था जब भी मंगवाते, तो हमारा आंसर 1,000,000 आ रहा है। ईओक्यू पे हमारी परचेजिंग कॉस्ट 1,000,000 है। अब अगर इसका सम करें तो ये कितना बनता है, ये इतना बन गया, यानी 10,14,142। और जो सप्लायर ने ऑफर किया है उसके नतीजे में इतनी कॉस्ट आ रही है। अब अगर मैं इस डिस्काउंट की तरफ जाऊं तो क्या मुझे फायदा हो रहा है या नहीं, तो मुझे यहां पे देखना है सेविंग्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी इन दोनों रकमों का डिफरेंस ले लूं। तो देखें ईओक्यू पे थोड़े थोड़े पैसे लग रहे हैं और इधर ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर मैं सप्लायर की ऑफर की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रही है। इसका मतलब है मैं एक समझदार इंसान हूं, मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, तो मैं अपना डिसीजन दूंगा कि ये डिस्काउंट हमने नहीं लेना क्योंकि ये डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, अगर ये डिस्काउंट सेविंग्स जनरेट करके देता, हमें फायदा हो जाता, हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम हो जाता, 10,14,000 से भी पैसे कम हो जाते, तो फिर मैं इस डिस्काउंट की तरफ जाता, मैं डिस्काउंट लेता। लेकिन अब इस सूरत में ये क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहा है, ये मुझे बताइएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है, 10,14,142 में से आप ये 10,17,000 माइनस करें तो ये कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है,
2858, ओके जी, यानी 2852 58 जो है वो मुझे एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ नहीं जाना। ये जो 2858 है ये क्या आया, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। कैसे पता चला कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि ये हम पहले ईओक्यू को फॉलो कर रहे होंगे, तो ईओक्यू पे हमारी कॉस्ट 10,14,000 थी, और जब हमने ईओक्यू को अगर छोड़ा 10,000 पे चले गए, हम 28 की बजाय 10,000 केजी मंगवाने लग गए, तो फिर हमारी एनुअल कॉस्ट आएगी 10,17,000, जो कि बढ़ गई है, इसलिए इस 2858 को एक्स्ट्रा कॉस्ट कहा गया है। और अगर बचत हो जाती तो उसे सेविंग कहते। अब मैं आपको ये बुक पे दिखाता हूँ, क्वांटिटी विद डिस्काउंट, तो ये आपको मैंने करवा दिया जी, और ये इसकी इलस्ट्रेशन है, इसको आपने पढ़ना है और इसकी इलस्ट्रेशन को आपने करके देखना है, और ये इसका नीचे सोल्यूशन हुआ हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपने अब ये इसके दो काम करने हैं, ये इलस्ट्रेशन 4 है, ईओक्यू विद डिस्काउंट ये भी करना है, और एक ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 है ये भी करना है। तो कल मैं स्टार्टिंग पे आपसे पूछ लूंगा, अदरवाइज मैं फिर आपको ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 करवा दूंगा। अब इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया, अब मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ, वहां से ऑनवर्ड और आपने क्या क्या पढ़ा होगा लास्ट वीक में, जो जो हमने कर लिया, और या अगर नहीं पढ़ा तो वो आप अब पढ़ लीजिएगा। परचेज साइकिल हमने पढ़ा था लास्ट वीक में, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई थी मैं उन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये इसने भी परचेज साइकिल बना के बताया हुआ है कि स्टोर को क्या जाता है, परचेज रेक्विजिशन, ये सारी डायग्राम वैसी है जैसी मैंने बनाई थी जब वो परचेज साइकिल दिखाया था, तो ये उसने भी उसी को समराइज किया हुआ है। मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है जी, परचेज रेक्विजिशन, हमने उस दिन एक बात की थी कि एक चीज होती है परचेज रेक्विजिशन, तो ये परचेज रेक्विजिशन की ये शक्ल है, ये परफॉर्मा है जी परचेज रेक्विजिशन का। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का ही परचेज रेक्विजिशन का परफॉर्मा होता है, डेट लिखी जाती है, सीरियल नंबर होता है यहाँ पे, प्री नंबर्ड यानी पहले से नंबरिंग की होती है, पर्पज इसका क्या होता है, इन्वेंट्री खरीदने के लिए रिक्वेस्ट है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उसका क्या कोड है, कहाँ पे यूज होता है, जॉब और डिपार्टमेंट कोड, किस दिन ये आना चाहिए, किस जगह पे आना चाहिए, परचेज ऑर्डर का नंबर कौन सा है, डेट कौन सी है, सप्लायर कौन है, ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट कौन है, और ऑथोराइजेशन है, तो ये फॉर्मेट होता है। अब आप देखें इसके अंदर कौन सी चीज नहीं है, एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ परचेज रेक्विजिशन, यानी देखें है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन एक चीज नहीं है, जो नहीं है वो पूछता है, तो कौन सी चीज नहीं है इसमें, देखें कहीं भी प्राइस नहीं मेंशन, कॉस्ट नहीं मेंशन, तो परचेज रेक्विजिशन के अंदर कॉस्ट ऑफ द आइटम नहीं लिखी होती, ये बाकी ये सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन इसके अंदर कॉस्ट का कोई कॉलम नहीं है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये परचेज रेक्विजिशन बुक से देख लीजिएगा। अगली बात परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर भी किसे भेज रहे हैं, टू द सप्लायर, सिलेक्टेड सप्लायर को भेजेंगे, इसका सीरियल नंबर होगा, डेट होगा, परचेज रेक्विजिशन नंबर होगा, देखें ये ऊपर वाले पेज में परचेज रेक्विजिशन नंबर था, इसमें कॉलम था परचेज ऑर्डर का नंबर कौन सा है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि परचेज रेक्विजिशन आए बगैर परचेज ऑर्डर प्लेस हो जाए, क्योंकि परचेज ऑर्डर के अंदर परचेज रेक्विजिशन का नंबर होना जरूरी है, ये ऑडिट में हम चेक करते हैं, जब हम ऑडिट पे जाते हैं तो हम इस तरह की चीजें चेक कर रहे होते हैं कि जब आपने खरीदारी की तो उसकी रेक्विजिशन थी, रेक्विजिशन थी तो कौन सी रेक्विजिशन थी, उस पर ये नंबर मेंशन है, जरा इस नंबर की रेक्विजिशन तो मुझे दिखा दें, तो ये आपने देखा कि इधर भी उसका नंबर आ रहा है और परचेज ऑर्डर में परचेज रेक्विजिशन का नंबर मेंशन है इस जगह पे, कौन सी क्वांटिटी है,
क्या होगा, कोड क्या है उसका, डिलीवरी डेट क्या होगी, और ये प्राइस भी है, और पर केजी कितना है, यानी इसके अंदर प्राइस मौजूद होगी परचेज ऑर्डर में, क्योंकि हमने एग्रीड किया ना सिलेक्शन ऑफ सप्लायर जब की थी, तो हमने तब एग्री किया था कि हम किससे खरीदेंगे, किस रेट पे खरीदेंगे, कब डिलीवर करेगा, और ये कंपनी की तरफ से उसे जाएगा। अच्छा, जब गुड्स आती है तो गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है, तो गुड्स रिसीव्ड नोट कितनी चीजें आई। अच्छा, इसके अंदर भी क्या क्या है, टू कैरियर कौन लेके आया, जिस तरह उस दिन वो ट्रक आया था तो वो किस कंपनी का ट्रक था, डिलीवरी डेट क्या थी, सीरियल नंबर उसका क्या है, डेट इशूड, परचेज ऑर्डर नंबर, यानी ये जो मैं चीजें खरीद रहा हूँ ये ऑर्डर कब हुई थी। यहाँ भी देखें उसका लिंक आ रहा है परचेज ऑर्डर का, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि चीजें खुद ब खुद आ जाए, परचेज ऑर्डर किया होगा तो वो परचेज ऑर्डर का नंबर मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन, कोड, क्वांटिटी, पैकेज, ग्रॉस वेट, यानी मुझे कितना वेट आया। जैसे अक्सर ऐसा होता है हम चीजें मंगवाते हैं ना, वो बंडल बना होता है, डिब्बे में होती हैं, बॉक्सेस में, तो आप भी जब कोई चीज खरीदते हैं तो आप देखिएगा उसके ऊपर लिखा होता है ग्रॉस वेट, यानी इसका पैकिंग समेत कितना वजन है, तो ये हमने ग्रॉस वेट लिखा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही होगा कि हम पैकिंग निकाल के उसे खोल खोल के वेट करें, इसीलिए हमने ग्रॉस वेट का कॉलम बनाया है कि हम इसको पैकिंग समेत वजन करेंगे, इसका कितने पैकेजेस हैं, कितने बॉक्सेस हैं, वो सारा मेंशन करेंगे। और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, ये देखें क्वांटिटी पास, कितने यूनिट्स मैंने पास कर दिए, कितने मैंने रिजेक्ट कर दिए, और रिमार्क्स दे दिए, किसने रिसीव किए, एक्सेप्टेड डेट, इंस्पेक्टर के साइन डेट, तो ये सारी चीजें गुड्स रिसीव्ड नोट में होती है। अब सवाल आ सकता है कि गुड्स रिसीव नोट में नेट वेट होता है या ग्रॉस वेट, तो ग्रॉस वेट होता है। क्या गुड्स रिसीव नोट में कॉस्ट होती है, नहीं कॉस्ट नहीं होती, ये सिर्फ ये बताता है कि चीजें कितने वजन की थी, कितनी क्वांटिटी की थी, इसके अंदर प्राइस कहीं नहीं लिखी हुई। मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है कि मटेरियल हमें जब भी चाहिए मंगवाना है तो कितना मंगवाना है, कौन सा मटेरियल मंगवाना है, उसकी क्या कॉस्ट है, तो मटेरियल रिक्विजिशन के अंदर कॉस्ट मौजूद होती है। और इसके अंदर स्टोर लेजर का भी रेफरेंस है। अब स्टोर लेजर क्या चीज होता है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये हमने, आपने जो फॉर्मेट है इनके, इनको बना के देख लीजिएगा, दो तीन दफा बना के देख लें, आपको इनके अंदर पता होना चाहिए कौन सी चीज है। याद रखिएगा पेपर में आपने इसे बनाना नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि फलां चीज में कौन सी चीज होती है या कौन सी चीज नहीं होती। अब मैं आज के लेक्चर को समराइज कर देता हूं। मैंने आज सिर्फ आपको एक नई चीज पढ़ाई है, वो है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और फिर हमने देखा कि उसे ईओक्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को कम से कम करती है, और हमने उसे फिर साबित भी किया कि अगर हम ईओक्यू से भी छोटा कोई लेवल ले लें तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, और अगर हम ईओक्यू से बड़ा लेवल ले रहे हैं, जैसे हम उस दिन 20,000 ले रहे थे तो कॉस्ट ज्यादा थी, ईओक्यू पे सबसे कम कॉस्ट आई, तो हमने कहा ईओक्यू इज द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर साइज वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम। देन हमने ये देखा कि अगर कभी सप्लायर हमें डिस्काउंट दे दे तो फिर हमें उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी डिस्काउंट की, तो उसके लिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट की, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट टोटल कॉस्ट बनाई और आखिर पे कंपैरिजन किया, ये कंपैरिजन था। तो हमने कंपेयर किया कि ईओक्यू पे कितनी कॉस्ट थी और सप्लायर के डिस्काउंट वाले ऑप्शन में कितनी कॉस्ट आई है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो वहां से अगर सेविंग निकल आए तो आपने कहना है डिस्काउंट लेना है, लेकिन अगर डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाए, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाए, तो आपका डिसीजन होगा कि हम डिस्काउंट नहीं लेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर, और मैंने आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए, और फॉर्मेट्स में परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिक्विजिशन, ये सारे आपने बुक से देख भी लेने हैं, और ईओक्यू और ईओक्यू विद डिस्काउंट को बुक से पढ़ भी लेना है, और बाकी जो चीजें रहती हैं जो हमने नहीं पढ़ी वो इंशाल्लाह हम इन डिटेल अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
जी स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। हमने एक पढ़ा, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ, ये ईओक्यू की कैलकुलेशन का एक स्क्रीनशॉट बन गया आपका। ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हो गई। ये फिर इसका सम हो गया। इसी तरह जब हम डिस्काउंट पे आए तो ये डिस्काउंट का डाटा आपके सामने मैंने कर दिया जी। और ये चीज वो कंपैरिजन आ गया कि जहां पे हमने कंपेयर किया कि हमारी कॉस्ट क्या है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, तो बेटा हम ये बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट कितनी लगती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर करने की कॉस्ट को कहते हैं, और होल्डिंग कॉस्ट स्टोर करने की कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ये नहीं जी, मैंने पूरी कैलकुलेशन को स्मॉल भी कर दिया, लेकिन इतने स्मॉल में मेरा ख्याल है आपको नजर कुछ नहीं आना। स्क्रीनशॉट बहरहाल आप ले सकते हैं। बुक से पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। आपको पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक से ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, बस मेरे वर्डिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती है बुक से, बाकी ऑलमोस्ट आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये सारा कुछ वही लिखा है जो हमने क्लास में पढ़ा है। तो आप बस बुक रीडिंग इसकी इंश्योर कर लें कि आप बुक को पढ़ लें, बाकी सब ठीक है। चलें ठीक है जी, एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।